अहेरी से आई गढ़चिरौली डिपो की एसटीएम महामंडल बस में बम होने की जानकारी आगे आई है, जिससे शहर में खलबली मच गई। गनीमत रही कि इसे स्फोटक खोज पत्र की सहायता से समय पर खोज आ गया। गौरतलब है कि गणेशपेट बस स्टैंड नागपुर का मध्यवर्ती बस स्टैंड है, जिसके चलते विदर्भ के एवं संपूर्ण महाराष्ट्र के यात्री यहाँ से आवाजाही करते हैं। लेकिन आज करीब 1:30 बजे गढ़चिरौली डिपो से आई बस MH40Y5097 में बम होने की जानकारी सामने आई, जिसके चलते संपूर्ण परिसर में खलबली मच गई। दरअसल 1 फरवरी को यह बस गढ़चिरौली डिपो से अहेरी होते हुए नागपुर आई थी, जहां सर्विसिंग के लिए इस बस को रखा गया था। लेकिन आज जब मैकेनिक ने बस में प्रवेश किया, वहां उसे आगे के कैबिन में एक टिफिन नुमा डिब्बा दिखाई दिया, जिसके चलते इसकी सूचना मैकेनिक ने अपने आला अधिकारियों को दी, जिसके बाद उन्होंने इस बात की सूचना गणेशपेट पुलिस को दी। उसी बीच जोन 3 के पुलिस उपायुक्त गोरख भामरे की मौजूदगी में BTTS पथक एवं स्वान पथक की सहायता से बॉम्ब खोजा गया और समय रहते सुरापट्टी क्षेत्र में ले जाया गया। अब इस पूरे मामले में आगे की जांच पुलिस करी है। गढ़चिरौली डिपो से जो है एक बस आई थी, जिसका नंबर जो है MH40Y5097 था, जिसमें बम होने की जानकारी मिली थी। आज जो है गणेशपेट पुलिस स्टेशन को इनकी इन्फॉर्मेशन जो है 1:30 बजे दी गई है। 1:30 बजे देने के बाद यहाँ पे BDDS की टीम आई थी। BDDS की टीम में इस बॉम्ब को जो है सुराबर्डी में ले जाया गया। बताया जा रहा है कि ये जो बॉम्ब है इस बस से जो आया था, ये अहेरी से आया हुआ था, और ख़ासकर ये जो बस है ये कल सावनेर डिपो गई थी, सावनेर डिपो से नागपुर में और रिटर्न आए, जिसको यहाँ पे रखा गया था। चिरौली डिपो की बस है, वो 1 फरवरी को नागपुर गणेशपेट बस डिपो में आई थी। तो आज दोपहर को अंदाजे 1:30 बजे गणेशपेट बस डिपो से गणेशपेट पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि एक बस में एक सस्पिशियस ऑब्जेक्ट है। तो इमीडिएटली पुलिस स्टेशन के अधिकारी और BDDS की टीम यहाँ पे आई, उन्होंने ऑब्जेक्ट को चेक किया तो प्राइमा फेसिया में सस्पिशियस ऑब्जेक्ट लग रहा था, इसलिए अभी ऑब्जेक्ट को हमने UOTC सुराबर्डी में लेके गए। वहाँ पे उसकी सखोल जांच होगी ऑब्जेक्ट की, उसके बाद ही हम इसमें कन्फर्मेशन दे पाएंगे कि इसमें अभी एक बस है। गढ़चिरौली डिपो की एक डब्बा टाइप स्ट्रक्चर है, बैग नहीं है, तो अभी उसको खोल के किसी ने देखा नहीं है, बस बाहर से इसको चेकिंग किया गया है। अभी उसको डिटेल में चेक किया जाएगा सुराबर्डी में, उसके बाद इसमें एग्जैक्टली क्या है पता पल। यह बॉम्ब मिलने के बाद BDDS की टीम जो है यह बॉम्ब सुराबर्डी में ले गई है, शहर से एक सुरक्षित जगह पे लेके गई है, जिसकी जानकारी हमें पुलिस ने दी है, जिसके बाद में इस बॉम्ब के बारे में आगे की जानकारी पुलिस हमें देते रहेंगी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ स्वप्निल बुंदाड़े, NBC News नागपुर।